हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 16 जून 2022। तो आज हम करने वाले हैं 16 जून के करंट अफेयर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना किस क्षेत्र में सुधार से जुड़ी है? यह अग्निपथ जो योजना शुरुआत हुई है, यह कौन से क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई है? तो यह रक्षा मंत्रालय ने इसे सुधार के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया है? तो फ्रूट सॉफ्टवेयर का लॉन्च किसने किया है? तो यह किया है कर्नाटक राज्य ने। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वह हासिल किया है केरल राज्य ने। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में केरल ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी की झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह क्वेश्चन तो आपको बनता ही होगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया है 15 जून को। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, यह कब मनाया गया? यह 15 जून को मनाया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है केरल राज्य ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो यह कौन सा शहर है जो डूब रहा है? मुंबई शहर यह औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया है? इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र जो है उसको बंद कर दिया है कितने वर्ष के बाद? 27 वर्षों के बाद उसने बंद कर दिया है। चलिए चलते हैं कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 2020-21 में महिला श्रम भागीदारी कितनी प्रतिशत हो गई है? बढ़कर 25.1% हुई है। तो जुलाई 2020 जून 2021 के लिए आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण जो वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है उसने क्या बताया है? तो चलिए देखते हैं। सामान्य स्थिति में अखिल भारतीय महिला श्रम बल भागीदारी दर जो होती है 2020-21 में कितनी थी? 22.8% थी, जो अब 2.3% बढ़कर कितनी हो गई है? 25.1% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 3% बढ़ चुकी है, कितनी हो गई है? 27.7% हो गई है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महिला श्रम भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? 25.1% हो गई है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 3% बढ़ी है तो 27.7% हो गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अश्विनी वैष्णव मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवाएं क्या कर देंगे? लॉन्च कर देंगे, इन्होंने इसका दावा किया है। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन मार्च 2023 तक भारत में 5G की सेवाएं उपलब्ध कराई जाने वाली हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। गूगल ने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की। गूगल ने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है। यह कार्यक्रम उन्हें किस चीज़ के लिए जागरूक करेगा? तो उन्हें धन उगाहने और काम पर रखने जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए मदद करेगा। तो गूगल फॉर स्टार्टअप एक्सेलरेटर इंडिया वीमेन फाउंड्स 2022 से जुलाई 2022 से कब तक? सितंबर 2022 तक चलने वाला है। यह कार्यक्रम जो है भारत के डिजिटल रूप में प्रशिक्षित कार्यबल के लिए है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मई 2022 में WPI मुद्रास्फीति बढ़कर 15.1 थी, अब 15.88 हो गई है मई में। अप्रैल का डेटा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। UPEDA ने यूपी के लिए SBI, BOB, PNB और SIBDI बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन कर दिया है। जो यूपी की जो एजेंसी है उसने किसके साथ? SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इन सब बैंकों के साथ क्या किया? समझौता ज्ञापन किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक रैंकिंग
में सबसे पहला स्थान किसका, एशिया में सबसे पहला स्थान कौन रहा है, तो यह केरल वैश्विक रिपोर्ट में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई दी गई। तो भारत गौरव योजना किस चीज़ से संबंधित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अग्निपथ योजना हो गई, भारत गौरव योजना हो गई, ये जितनी भी योजनाएं हैं और सरकार द्वारा जो आने वाले इश्यूज़ हैं, जो यह सब और जो इकोनॉमी में बढ़ोतरी घटोतरी होती है, इन सब एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इन सब पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। यह आने वाले करंट अफेयर में आपकी एग्ज़ाम में यह सब पूछ सकता है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी राइट इश्यूज़ हैं, कब क्या लॉन्च हो रहा है, कब कौन सा ऐप लॉन्च हो रहा है, और साइंस और टेक की दुनिया में क्या हो रहा है, यह सब आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका करंट मजबूत हो सके और एग्ज़ाम में आप को कोई दिक्कत ना हो। तो यह भारत गौरव योजना भी आपको बहुत याद रखना है कि भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। चलिए यह हो गया आज के 16 जून की करंट अफेयर। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।